Hey people, so welcome back to my channel. So today I am back with a new video of BBQ Vines, and this video is very new. This one is the latest video of BBQ Vines. So this video is Ghar ka Ghar. So the last video is Diwali pe Diwala. So in Diwali, jo Bhuvan Maam ke jo papa hote hain, wo Titu Mama ko ghar ke kaagazat dete hain. So kisi wajah se wo unko wo ghar ke kaagaz dete hain. So in that time, Titu Mama teen pati khel kar aate hain and wahan pe wo haar jate hain aur wo ghar ke sare kaagzat wahan pe dekar aa jate hain. To tab Bhuvan Mama ko pata padta hai ki ab unka ghar nahi raha. So, I think ye video usi se connected hai. So, that one is Ghar ka Curse. So, I think isme shayad wo kisi ghar ka curse wagaira lete honge. I don't know what. So, let's see. I'm very excited about this video. So, I think this video is connected with the last video. So, I really want to see the whole story. So, I think you are also very excited about this video. I think without wasting any time, let's start this video. So, stop. Before starting this video, make sure to hit a like button and also subscribe my channel for more videos like this. So, let's start this video. हट दे छोटा मत कर, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा. ऐसे कैसे आ जाएगा? हम लोग कुछ करेंगे ना. मैं क्या करेंगे देखते क्या करेंगे कैसे देख लेंगे हम है ना देख लेंगे कैसे देखेंगे अबे काफी कॉन्टैक्ट्स है हमारे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे. कैसे लगा लेंगे? तो टेंशन मत ले ना. हां हेलो सैड. कैसे लगाएंगे? अबे मेरी तो अब तो कुछ नहीं होगा, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा. मुझे कुछ करना पड़ेगा. एक काम करता हूँ, उस आदमी के पास जाके कहता हूँ कि आप मेरे साथ तीन पत्ती खेलो. अगर मैं जीत गया तो मुझे घर के पेपर वापस मिल जाएंगे, और अगर हार गया तो खाली हाथ आ जाऊंगा. मैंने सुना है ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं, भेज तो देंगे लेकिन अगली सुबह मतलब चलने का अंदाज बदल जाएगा. अजीब लगेंगे तो कहाँ किसी के साथ तीन पत्ती खेलने जाएगा. इससे अच्छा एमपीएल गेम्स खेल और असली के पैसे कमा. इसमें वन ऑन वन चैलेंजेस भी होते हैं और टूर्नामेंट भी होते हैं. मैं तो रोज खेलता हूँ, मेरा दिन का एक टाइम का खाना और कोल्ड कॉफी फिक्स है. जो मेरे 1200 रुपए उधार लिए थे वो कब देगा? कभी ले, इससे पेटीएम भी हो जाता है. मेरे 4000 रुपए मंदिर बनानी, भिखारी पहले आके लाएंगे. भिखारी तो हो ही जाएंगे हम सब. मामा ने खड़की भी रख दिया है ना, मम्मी को पता है ना पापा को खबर है. अभी क्या है, पापा दोस्त की पार्टी में गए हैं और मम्मी नए साल का कैलेंडर लेने गई है. कौन सी दीवार पे टांगेगी, ये दीवार अब हमारी रही नहीं. कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो तुम लोग मेरे घर पे रह लेना. तेरी जिंदगी में इतने इशू नहीं है जितने तेरे घर में टिशू है. मम्मी पापा को क्या बोलूंगा मैं, जगह जगह टिशू पेपर गिरे होते हैं इसके घर में, चप्पलें चपकती है. कमरा खाली बोलो तो बात करूं. मेरे पिताजी ने टीनेज में क्लीवेज नहीं देखा, तू बुढ़ापे में दिखा दे. अभी इतनी टेंशन मत ले यार. अच्छा एक काम कर, अभी के लिए मेरे घर चल. इस गम को भुलाने के लिए बढ़िया सी दवाई मेरे पास. कौन सी? मैं नहीं पीता. ओके ओके. आज मुझे जो वाले जनाशा जब देगा मुझे बुरा नहीं लगेगा. ड्रिंक करके आपने दारू पी? अरे नहीं भाई, ये मैंने थोड़ी सी दारू पी. आपको बहुत चढ़ गई है. मैं बेटा मैडम बोलू नहीं, मैंने थोड़ी सी दारू पी है. तो जितनी मर्जी, ये पापा नहीं बनछोड़दास है. ओके बेटा, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, खराबी है बहुत. और इसको देख, ये वीको वजरा बनती, मुझे ये इतना पसंद है. मैं जा, आप इतनी शराब पी गए. बेटा मुझे तेरे पापा से ना माफी मांगनी है. ओके मैं शराब एक जरिया है जिससे मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर सकता हूँ. क्या पश्चाताप? उनको हार्ट अटैक आ जाएगा. अभी सही है ना, उनको एटलीस्ट हॉस्पिटल की छत तो मिलेगी थोड़ी देर, ये सब तो चला जाएगा. सब लैटरिन में चिपकी टट्टी जाता, सूरज चांद रहेगा, मनू के नहीं है आन रहेगा. बस दीदी और जीजा जी के सामने कॉन्फेस कर लूं. कॉन्फेस? कन्फेस. मामा एक काम करते हैं, आप थोड़ा सो जाओ, जब उतर जाएगी तब बात करनी. बता मुझे ऐसे ही बोलने दे, अगर मेरे बोलने से पहले शराब उतर गई तो मैं अपनी नजर से उतर जाऊंगा. लेकिन आपने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी. मैं तो अभी भी कहता हूँ दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं. पता नहीं आंसू पोंछने वाला दिल के ज्यादा करीब होता है या आंसू देने वाला. बेटा आंसू देने वाला ले चुका होता है और आंसू पोंछने वाला रहने के चक्कर में होता है. और ऐसा भी मुसीबत बताने नहीं आती. पापा आगे, बेटा ऐसे नहीं बोलते. पापा आगे, अपने पापा को गे नहीं बोलते. मामा पापा आ गए. नमस्ते. और कुछ जरूरी बात करनी थी इससे मैं आया हूँ. चलो अंदर चलके बात करते. हम तो
तक स्मेल आ रही है। अरे वो मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया था ना, तो वहाँ उसने बोला कि वो थकेला पी ले। थकेला? उसको बोला तो खड़ी है, फिर उसने मुझे वो रम पिला दी। पुराना साधु, पूरा शरीर अंदर से गर्म हो गया है। मम्मी ने अगर आपको ऐसे देख लिया तो तूफान आ जाएगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी माँ से डरता हूँ? अरे सब बातें बाद में कर रहा भाई। अंकित जी, आज मुझे आपसे माफी मांगनी है। किस बात की? मैं कैसे बताऊं? एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, तू अब बोल। मैं कैसे बताऊं? अच्छा रुक, दूसरा तरीका देखता हूँ। टिकट बुक करा दे फटाफट, मेरे को टीटू के पास जाना, कुछ बात करनी है। सामने खड़े हो, आमने सामने खड़े हो, ऐसी बात कर लो। जीजा जी, मैंने आपका घर बेच दिया। मामा ने एक तीन पत्ती के गेम में हमारे घर के कागज दांव पे लगा दिए। क्या लगा दिए? लावड़े। जीजाजी प्लीज फॉरगिव मी, आई मेड अ मिस्टेक। यू सेल माय हाउस? यस। ही सेल माय हाउस? माय हाउस आर यू? माय हाउस प्रोमग्रेट? प्रोमग्रेट। डोंट करेक्ट इमेज ऑफ मी यू डोंकी चाइल्ड। जीजाजी शट अप। Shut up कह रहे हैं। Are you mad? Shut up, sorry. I read legend books. Mark Twain, Martin Luther King. Luther, doctor. I apologize. I made a Johnny sin. I come down. I condemn होता है दो बार चीज़ लिस्ट चला वड़े लाने। तेरे को मैं अपने सारे समझता था। तू तो सारा निकला। ये इंसान छोड़ता हूँ मुझे माफ। है सर आपको छोड़ता। पापा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, खूब सारे पैसे कमा के आपको घर गिफ्ट करूंगा। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है बड़ा पता है? अंकल हमारे पास बहुत शॉर्टकट्स है, मेहनत की जरूरत नहीं है। अब कहाँ रहेंगे हम? अंकल मेरे ग्रैंडफादर के ट्रिप का भरोगे? वहाँ क्या होता है? बहुत हार्ड। मतलब इस घर से कोई कहीं नहीं जा रहा। दीदी तुमने ऐसा सुन लिया क्या? मुझे सब पहले से ही पता है। कैसे? उस रात जब तू फोन पे कागज मांग रहा था मैंने सब सुन लिया था। और तुम्हें पता है दीदी, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे संसार का सौदा कर दिया अनजाने में। मुझे ही जाना पड़ेगा उस आदमी से बात करने, कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं समझोगी, ये आदमियों का मैटर है, आदमियों को सॉल्व करने दो। मैं कागज ले आई हूँ। कैसे 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 कैसे? तेरी बड़ी बहन हूँ, भूल गया? बचपन में तीन पत्ती पूरे इलाके में कौन जीतता था? मतलब मैं गई उस आदमी के पास आज। मैंने कहा तीन पत्ती में मुझसे जीतेगा तो मानूंगी, अगर हार गई तो घर के कागज पे उसकी जैकिशन की तिगड़ी आई। जैकिशन? और तुम्हारी? जो मैं हूँ, जोकर के साथ भी खेल सकते हैं क्या? रानी की तिगड़ी। मकान बेशक आदमी बनाता है लेकिन उसको घर एक औरत बनाती है। अभी तुम बेस्ट हो। सही बात है। आज बढ़िया डिनर करेंगे। तुम दोनों ने दारू पी है? नहीं दीदी, बियर शैम्पू है। हाँ, और मेरा रम शैम्पू है। रम शैम्पू कौन सा होता है? बेवकूफ समझा मुझे। आज तुम दोनों घर के बाहर रहोगे। मैं इस घर का मर्द हूँ और मैं इस घर की लेडी सिंगल हूँ। चल बाहर निकलो। लेडी सिंगल ये। I really really enjoyed this whole video. I hope you enjoyed it too. And the last part, I really love the last part. Ending is awesome. Like starting के अंदर जब टीटू मामा उनको पता था कि like सारी चीजें खराब हो चुकी है तो वो drink कर आए। And after that he was thought that okay fine I should take some drink and then drink करने के बाद में फिर मैं थोड़ी हिम्मत आ जाएगी और मैं जाके कन्फेस कर दूंगा, सॉरी बोल दूंगा। सो वो ड्रिंक कर आए और लाइक एवरी वन इज लाइक ओ माई गॉड ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। एंड बाद में उसके पापा भी ड्रिंक कर आए थे भुवन के। सो उनको जब पता पड़ा तो वो लोग सब जाने के लिए कह ही रहे थे एंड देन व्हाट एन एंट्री भाई, अमेजिंग। वैसे तो मुझे उसकी मम्मी की एंट्री हमेशा ही पसंद आती है बट दैट टाइम इज सो अमेजिंग, लाइक शी इज वाओ एंड शी सरप्राइज एवरी सिंगल पर्सन। उनको ये लगता था कि ये सब काम लेडीज के है ही नहीं, तो यू जस्ट डोंट वरी, हम सारी चीज संभाल लेंगे। एंड शी सरप्राइज टू एवरी सिंगल पर्सन दैट वो घर के सारे कागजात लेकर आ चुकी हैं और वो कैसे, लाइक शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ तीन पत्ती गेम और वो वही गेम खेल कर आई और उससे अपना घर पूरा वापस लेकर आ गई। लाइक दिस इज सो ऑसम थिंग एंड लाइक शी इज डूइंग लाइक अ वाओ जॉब एंड एवरीवन इज लाइक ओ माय गॉड घर बच गया, घर बच गया। So this is all about my this video review. Everyone underestimate women, but the main thing is that so how much you are capable to do things. So वहाँ से आपको response मिलता है।
तो इट्स जस्ट लाइक दैट एंड दिस थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्योंकि गर्ल एंड बॉय बोथ आर इक्वल जस्ट सपोर्ट मी लाइक दिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप ऑन माय टुडेज वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सो बस जस्ट खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहो सो आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर गाइस बाय